एक नेकी कहाँ से शुरू हुई थी और कहाँ जाके एंड हुई, और आपको कुछ पता नहीं चलता कि कब जो है चीजें जो है वो आपकी तरफ आ जाती अच्छा इस पे मुझे एक बात याद है कि ये सारी चीजें जो है ना, ये बिलीव है। आपका हैं। बिलीव जितना स्ट्रांग होगा ना, इसमें तो कोई आप कहीं पीछे मार नहीं खाते। आप जिंदगी में आपने बिलीव लिया कि देखें मुझे अल्लाह देगा तो इंशाल्लाह मिलेगा आपको। अल्लाह ताला एक जगह पे मफहूम इस तरह है कि तुम जिस तरह गुमान करते हो मैं उसी तरह तुम्हारे साथ पेश आता हूँ। अगर कोई मुझे एक बालिश मेरी तरफ आता है तो मैं उसकी तरफ दो बालिश मुतवज्जो होता हूँ। अगर कोई मेरी तरफ एक हाथ मुतवज्जो होता है तो मैं उसकी तरफ दो हाथ मुतवज्जो होता हूँ। और अगर कोई मेरी तरफ चलकर आता है तो मैं उसकी तरफ दौड़ कर जाता हूँ। तो यानी कि हम जिस तरह गुमान करेंगे तो उसी तरह होगा। अब किसी ने एक सवाल किया और वो इस बड़ा वैलिड है इस बात पे करने के, यार ये किस तरह, मतलब हम एक काम करते हैं, एक एक नेकी करते हैं, किस तरह हमें 10 नेकियां मिलेंगी, कैसे? जैसे नजर नहीं ना आती कोई चीजें। अब उसकी मिसाल समझाने वाले ने कितनी खूबसूरत समझाई। कहते देखो तुम पाउंड एक कमाते हो, लेकिन तुम इंडिया चले जाओ वहां कितने बन जाते हैं, बिल्कुल तुम बिल्कुल पाकिस्तान चले जाओ बिल्कुल, वहां कितने बन बहुत जाते हैं, खूबसूरत, बहुत ठीक है खूबसूरत ना? बात की और तुम आपने। इसी तरह दूसरे दूसरे मुल्कों में जाते हो, हर जगह पे। अब जैसे एक नेकी तुमने यहाँ पे कमाई, 200 रुपी वहां पे तुमने कम ले ली, जी, लेकिन आप ये भी देखो कमा तो एक ही रहे हो बिल्कुल और ये तो दुनिया भी सोच समझ रहे हो ना। तो बिल्कुल, इसी तरह जब अल्लाह की देन होगी तो वो पता नहीं कितनी अता करेगा। जबरदस्त, बहुत खूबसूरत बात की। और ये एक चीज है मेरे ख्याल से बहुत इंपॉर्टेंट, कि लोगों को दुनियावी तरीके से अगर कोई चीज समझाई जाए तो वो ज्यादा अच्छे तरीके से समझते हैं एब्सोल्युटली कि एक चीज है कि अच्छा चलें ये चीज हमें बताई तो जाती है लेकिन प्रैक्टिकल उसकी नहीं है। लेकिन अगर आपको एक चीज प्रैक्टिकली किसी को बता दें कि अच्छा इस तरह देखो, एक एक पाउंड है लेकिन पाकिस्तान में 200 बन जाता है, किसी और कंट्री में उससे कम बनेगा, किसी और कंट्री में उससे ज्यादा बनेगा, जी एंड दैट इज हाउ इट इज। लाहौर से जो कनेक्शन बनता है वो आपके दिन में जो एक एक जहन में एक चीज बैठ जाती है। और जाहिर है लोग कहते हैं कि आप अगर एक अच्छी बात करें और एक बंदा भी सीख जाए उससे, अच्छी और मीठी बात करना हाँ भी सदका है, ये तो हदीस जी शरीफ है जी बिल्कुल, बिल्कुल। और वो एक चीज एक बंदा भी उससे जो है वो कन्विंस हो जाए या उसको पिक कर ले तो आपकी सारी जो मेहनत है वो सफल हो वो जाती जैसे है। आपने कहा ना वही बात कि अच्छा करोगे तो अच्छा पाओगे, बुरा करोगे तो बुरा पाओगे। जी बेअदब बेमुराद, बाअदब बाम बामुराद। जी।